दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ महादेव घाट। और महादेव घाट में छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको महादेव घाट में छठ पूजा जो मनाया जा रहा है तो उसको मैं आपको अलग अलग एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप घर बैठे यहाँ दर्शन कर सकें अपने फ़ोन में या फिर टेलीविज़न स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माहौल है, कितना सारा भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ अपना इंतजार कर रहे हैं पूजा करने के लिए। और इसमें क्या होता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और सूर्य को अर्घ दिया जाता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोज़ सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और मैं भी देता हूँ और आप भी देते होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ सूर्य को अर्घ देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं छठ पूजा का महत्व इतना विशेष क्यों है, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उनका जो संतान है वो दीर्घायु हो, दीर्घायु मतलब लंबी आयु वाला हो। तो इसलिए यहाँ सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और इनका एक पूजा का एक विधि विधान होता है, उस विधि विधान से यहाँ पूजा किया जाता है। तो सूर्य को सभी लोग अर्घ देने के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं महादेव घाट में आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रहा होगा, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और सभी चीज़ों को मैं यहाँ डिटेल में दिखाने वाला हूँ, तो मैं इस एंगल में हूँ और ऊपर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे लोग हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। मैं आपसे फिर से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल में पहली बार हैं चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप तक ला सकूँ। अब आप देख सकते हैं ऊपर में कितना सारा भीड़ है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, राइट हैंड साइड में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको जगह है। तो उसी से मैं यहाँ तक आया हूँ, बहुत ही मुश्किल से आया हूँ। तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप देख सकते हैं कितना सारा आपको यहाँ भीड़ दिखाई दे रहा है। तो छठी मैया जो है वो आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ नाव भी चल रहा है, और मीडिया कर्मी भी यहाँ आके जो है क्लिप ले रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर से भी बहुत सारे लोग यहाँ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा भीड़ साल में सिर्फ एक ही बार छठ पूजा में दिखाई देती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पूरा महादेव घाट व्यक्तियों से भरा हुआ है, क्योंकि छठ पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है। और मैंने आपको बता दिया कि छठ पूजा क्यों किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजा है, और बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पूजा में से एक पूजा छठ पूजा कहा जाता है। अब मैं आपको दूसरा एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगा। इस एंगल से आपने देख लिया, अब ये देख सकते हैं ये दूसरा एंगल। तो ये जो है महादेव घाट में जो लक्ष्मण झूला जाने का जो एरिया है वहाँ से मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ भी आपको नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको ज़्यादा इसलिए बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको सुनने में अच्छा लगता है। कई लोग बोलते हैं कि आपकी जो वॉइस है बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो मैं आपको दिखाने की सुनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ आपको व्यक्तियों की कतार देखने के लिए मिलेगी, और बहुत सारे लोग यहाँ छठ पूजा को देखने के लिए आए हैं या फिर छठ पूजा करने के लिए आए हैं। जितने लोग देखने में, कई लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और वो नहीं कर पाते तो वो देखते हैं, वो अपना देखने में उनको भी अच्छा लगता है। तो इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पूरा खाली है, लेकिन इस साइड आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको सब चीज़ एक एक करके दिखाऊँगा, ताकि आप घर बैठे भगवान के दर्शन कर सकें, छठी मैया के दर्शन कर सकें, और माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। तो आप इस वीडियो को अब सिनेमैटिक तरीके से एंजॉय कीजिए। अब मैं आपको बैकग्राउंड में देने वाला हूँ वॉइस के साथ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,